दोस्तों आप जानते हैं आजकल हर पॉलिटिशियन वंदे मातरम के नाम पे वोट मांग रहा है। मीडिया में बैठो फिर मुसलमान को विलन दिखाओ क्योंकि वो वंदे मातरम नहीं बोलते। मुसलमानों को देशद्रोही साबित करो, खुद को सच्चा देशभक्त दिखाओ और उस देशभक्ति पर लोगों से वोट मांगो। तो लगातार वंदे मातरम के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, ये आप जानते हो। लेकिन खुद जब इनसे पूछा जाता है कि आप वंदे मातरम गा के सुनाओ तो इनको वंदे मातरम की एक लाइन नहीं आती। ऐसे कई सारे वीडियोस मैं आपको दिखा चुका हूँ। आज एक और वीडियो मिला है इंडिया टुडे चैनल से। मैं सैल्यूट करता हूँ उस एंकर को। 8 मिनट तक उस पॉलिटिशियन की खिल्ली उड़ाई इसने। मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, हिम्मत से कहना चाहिए कि राष्ट्रीय गीत गाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे और इस देश में रह के हमें राष्ट्रीय गीत, हमें इस मतलब राष्ट्रीय गान, हमें गाने में फक्र होना चाहिए। अच्छा औलख साहब, औलख साहब, आपको आता है पूरा वंदे मातरम? आप गा के हमें सुना सकते हैं? वो कहते हैं बहुत कठिन है, बहुतों को नहीं आता। वो कहते हैं कि बहुत कठिन है, बहुतों को नहीं आता। आपको आता है पूरा? आप ऐसा है, आप आ जाइए, मैं पूरा पूरा का पूरा सुना दूंगा। ये भी समझ लें और ये भी बोलने लगे, समझा ये दीजिए, भी बोलने लगे, समझा दीजिए, सुना दीजिए, समझे जी? सुना दीजिए। इसको राष्ट्रीय गान, अरे मैं कह रहा हूँ आ जाए, नहीं मैं नहीं समझा देता हूँ, मैं कह रहा हूँ अभी समझे समझा जी? दीजिए, सुना दीजिए एक बार उनको, पहले उनको तो जी विश्वास नहीं हो रहा है, कह रहे हैं सुना दीजिए। मैं, अरे भाई ऐसा है, पूरे हिंदुस्तान में हर नागरिक को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम का गुणगान करना सर चाहिए आपको आता है और वंदे सोचना मातरम? चाहिए, आप समझना चार चाहिए, लाइनें सुना दीजिए ना प्लीज समझे जी? सर, मैं चार कहना लाइनें सुना चाहता दीजिए हूँ वंदे आपसे, मातरम से। आप विषय जो है, सर वंदे मातरम से चार, औलख साहब चार लाइनें आप जो वंदे बहस मातरम की सुना करते दीजिए। हैं, बहस कहाँ है, एनडीए, फोर लाइंस, फोर बात लाइंस। सुनिए, बात एनडीए की तरफ लेके चल दिए, नहीं नहीं आप एनडीए को बांग्रेस की छोड़िए ना, तरफ लेके अरे चल छोड़िए दिए। छोड़िए, अरे ये अरे कहिए सर कि आप, राष्ट्रीय पर्व औलख साहब, औलख साहब, 15 अगस्त को औलख कैसे साहब, बेहतर बनाया जाए औलख और साहब, औलख कैसे साहब, कैसे इसको मनाया जाए, औलख विषय साहब, तो ये है, औलख साहब, समझे जी? औलख साहब मेरी बात मैं सुनिए जो ना, कहना आपसे औलख चाहता साहब हूँ चार लाइन कि सुना विषय दीजिए तो ना ये वंदे होना मातरम की चाहिए प्लीज। और विषय को ये दूसरी आप तरफ लेके औलख चलते साहब, हैं, औलख ये साहब, ठीक नहीं है। औलख साहब चार आप लाइनें, जा देंगे चार तो अगर लाइनें, होगा तो चार हम लाइनें इनको वंदे सर्टिफिकेट, मातरम की, मैं ऐसा है, चार लाइनें अभी अरे हम सुना दी। गाके ने सर्टिफिकेट नहीं देन, अरे हम इनसे सर्टिफिकेट नहीं नहीं लेना नहीं चाहते मैं गाके, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, मानोवर मैं आपको बताना मैं चाहता आपको हूँ, रिक्वेस्ट पूरा कर रहा हूं वंदे सर, मातरम गाके सुनाएंगे। सुना दीजिए प्लीज चार मैं, लाइनें। आप बात सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ, मुझे हमें इनका सर्टिफिकेट नहीं नहीं चाहिए नहीं सुधर सर, मैं के, तो बहुत सिंपल हम हाथ गा जोड़ देंगे के रिक्वेस्ट पूरा कर रहा हूं सर, राष्ट्रीय एक गान सेकेंड गा एक देंगे, सेकेंड, वंदे मातरम गा कि देंगे। आपको, आपको सर एग्जांपल से लीड करना चाहिए ना। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा, आप चाहते हैं कि सब कंपलसरी कर दें, आप कह रहे हैं कि सब कंपलसरी कर दें, तो आप गा के सुना दीजिए। आप सुन लीजिए, हाँ सुनाइए। अरे मेरी बात सुन लीजिए, हाँ, हमने इनको इनको सुना के उन लोगों को उनसे सर्टिफिकेट नहीं नहीं लेना, नहीं आपको मैं तो समझे चाहता जी? हूँ सर, आप मुझे जहाँ सिखा गाने की दीजिए, बात होगी आप गाया हमारे जाएगा, दर्शकों को सिखा मगर दीजिए। इनके इनके औलख बात साहब, सुनिए, औलख साहब, सुना अरे दीजिए। इनसे मैं जब 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 आप औलख जब साहब आप चार जब लाइनें आपकी सुना मेरी दीजिए बात ना, होगी चार तो मैं लाइनें आपको सुना दूंगा, नहीं आप, मैं तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, इनको मैं इनको रिक्वेस्ट इनको कर रहा हूं सुना सर, के, आप सुना दीजिए। अरे बात तो सुन, मैं आपको रिक्वेस्ट कर, आप चाह रहे हो कि कंपलसरी हो जाए? नहीं नहीं औलख आप जो साहब, कह यहाँ पे रहे तो हैं, हिपोक्रेसी है ना बहुत बड़ी। अरे लाल मेरे सुन नहीं लो, नहीं आपको तो आती है, रुकिए ना एक सेकंड, औलख साहब, मेरी औलख साहब, बात एक मुझसे सुन एक लो, वन सेकंड, जस्ट जस्ट गिव मी औलख साहब अरे प्लीज, वन सेकंड, वन सेकंड। औलख साहब आप चाह रहे सुन ना कि लीजिए सब मेरी बात, सीखें, अरे आपसे हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, मेरी बात आप सुनिए, सुना दीजिए गा के, आप गा के सुना दीजिए चार लाइनें सर, अरे मेरी मैं आप चार लाइनें, मैं आपको दो लाइनें सुना दीजिए, मैं आपको कहना चाहता दो हूँ लाइनें कि सर। मैं इसके डिबेट के बाद आप नहीं नहीं आपका अभी आपका अभी सर टेलीफोन का अभी चलो, नंबर, मैं डिबेट रोक देता हूँ, आपका छोड़ो, टेलीफोन नहीं नंबर नहीं लेके आपको नहीं सुना नहीं दूंगा, मैं रुके रुके, मैं डिबेट रोक रहा हूँ सर, डिबेट, देखिए इस देखिए समय देखिए, मैं मैंने सुना डिबेट के रोक इनसे दी सर, मैंने सर्टिफिकेट नहीं डिबेट लेना रोक दी, चाहता, औलख साहब, नहीं मैंने, मैं औलख साहब, मैंने देखिए डिबेट रोक दी, औलख साहब, मैंने डिबेट रोक दी, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप चाहते हैं कि जबरदस्ती हो, सब सीखे वंदे मातरम, आपको तो आता ही होगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ चार लाइनें गा के सुना दीजिए सर प्लीज, चार लाइनें सर प्लीज। मैं आपको एक बात कहना औलख चाह साहब, रहा चार हूँ, आप लाइनें आप सुनिए वंदे मातरम को मेरी कंपलसरी कर मेरी रहे हैं, बात सुनिए, आप ये मंत्री डिबेट हैं चल सरकार रही के, यू शुड लीड बाय एग्जांपल, चार लाइनें गा के सुना दीजिए सर, चार लाइनें प्लीज सर। आप मेरी बात सुनिए, अरे औलख साहब प्लीज, फोर लाइन, फोर लाइन सर प्लीज, मेरी मेरी बात तो सुन लीजिए आप, अरे आप मेरी बात तो सुन लें,
मैं आपको टेलीफोन से आपको पूरा का पूरा वंदे मातरम नहीं आप अभी सुना दीजिए ना, आपको देश को सुना दो, छोड़ दीजिए, हम डिबेट, हमने डिबेट खत्म कर दी, जो ये बहस कर रहे हैं डिबेट खत्म कर दी, आप मुझे गा के सुना दीजिए, ठीक है, अलग से आप गा के सुना दीजिए, डिबेट छोड़ दी, हमने डिबेट छोड़ दी, छोड़ दीजिए, आप चार लाइनें सुना दीजिए प्लीज, मैं आपको टेलीफोन पर सुन, नहीं नहीं टेलीफोन से मैं सीधा सुना दूंगा, अभी सुना दो ना सर, आपको आप इतना क्यों बहस कर रहे हैं, अरे आपको इतना कॉन्फिडेंस है, आपको मैं सुना दूंगा, अभी सुना दीजिए सर, मैं वेट कर रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर यू सर, प्लीज सर, फोर लाइन्स प्लीज, मैं ऐसा है सर, आप बताइए, आप कर रहे हैं, अभी सुनाइए ना, मैं आपको सुना दूंगा, अभी सुनाइए, हम वेट कर रहे हैं सर आपकी, मैंने कहा ना आपको, आप मान्यवर, मैं आपको सुना दूंगा, सुनाइए ना, मैं ऐसा है ना, कर रहा हूं सर, अभी पिछले आपके चैनल पे भी वो चल रहा था, नहीं नहीं महाराज से महाराज से सुना रहे थे, तो ये जो नहीं, जो ये विषय आप कह रहे हो कि कंपलसरी हो, ये हम ये सर, अरे औलख साहब, मैं तो वेट कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के सर, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप गा के सुना दी, आप एग्जाम्पल सेट कीजिए ना, हमारे दर्शकों में कईयों को नहीं आता वंदे मातरम, मेरे को मानने में कोई संकोच नहीं है कि मुझे पूरा वंदे मातरम नहीं आता, आप कह रहे हैं कि आपको आता है, आप गा के सुना दीजिए अच्छे से, ऐसा है मेरी चार लाइन सर, फोर लाइन जो कह रहा हूँ आप, फोर लाइन सर, फोर लाइन हम आपको सुना देंगे प्लीज, आप चिंता अभी, आई एम वेटिंग, मेरी बात आप साहब, आई एम वेटिंग पे सुनान, ये बात नहीं है, मेरी बात सुनिए, पर ये तो साक्षी महाराज साहब, देखिए एक सेकंड इस बहस यहाँ पे, यहाँ पे कहीं ना कहीं, अरे कहीं आपको आता ही नहीं है औलख साहब, औलख साहब आपको गाना आता ही नहीं है, आप दूसरों को कंपलसरी बनाना चाहते हैं, आपको आता नहीं है गाना सर, आपको गाना आता नहीं, आप दूसरों को कंपलसरी बना रहे, ये तो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है, मेरी बात सुन सर, ये हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है, आप कर लीजिए बहस, नहीं ये तो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है, आपको गाना आता नहीं, आप दूसरों को कंपलसरी करना चाहते हैं, अरे कुछ तो सोचिए, कुछ तो भगवान का भी सोचिए कि आप जबरदस्ती करके दूसरों को सिखा रहे हैं, आपको आता नहीं है खुद, चार लाइन आप गा नहीं पा रहे हैं ये तो प्रॉब्लम है ना, साक्षी महाराज साहब, औलख साहब मंत्री हैं यूपी के, वो खुद चार लाइन गा नहीं पा रहे, सबको कंपलसरी कर रहे हैं, आप सुन लीजिए साक्षी महाराज को भी सुनिए, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, आप तो गा ही नहीं पा रहे सर, मैं गा देता हूं, नहीं आप तो जानते ही हैं, वो तो मैं जानता हूं ना, नहीं वो, अरे वो मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिसन लिसन वन सेकंड, आई वांट टू पुट दिस इन कॉन्टेक्स्ट, वी हैव नथिंग अगेंस्ट समबडी नॉट नोइंग द वंदे मातरम, बट व्हेन यू आर इंसिस्टिंग दैट दिस बी मेड कंपलसरी, व्हेन यू आर इंसिस्टिंग दैट अदर्स सिंग द वंदे मातरम, इफ यू डोंट नो द वंदे मातरम योरसेल्फ, देन देयर इज अ हाई लेवल ऑफ हिपोक्रेसी एट प्ले, वेरी हाई लेवल ऑफ हिपोक्रेसी, कह रहे हैं कि सबको कंपलसरी बना दो, कंपलसरी बना दो, उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चार लाइन गा के सुना दो, पसीने फूट रहे होंगे, चार लाइन नहीं गा पा रहे, मैंने साक्षी महाराज, अब आपकी बात तो सुन लीजिए, आप साक्षी महाराज की भी सुनते हैं, मैंने इन लोगों से सर्टिफिकेट नहीं लिया, अरे मुझे उनके सर्टिफिकेट की नहीं चिंता, मुझे आपके सर्टिफिकेट की चिंता नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ आप चारों ने कंपलसरी हो, यू वॉन्ट द वंदे मातरम टू बी कंपलसरी, आई एम रिक्वेस्टिंग यू विद फोल्डेड हैंड्स कि आप चार लाइनें गा दो, मुझे इनका सर्टिफिकेट, अरे सर आप चार लाइनें गा दो ना, आप अच्छा, पर ये तो दोहरापन है ना, आप जबरदस्ती कर रहे हैं कि गाइए गाइए, आप गाइए आप गाइए, आप देशभक्ति साइंस दिखाइए, हमने रिक्वेस्ट किया भाई आप गा के सुना दीजिए वंदे मातरम, पसीने फूल गए मंत्री जी के